रोटी सब लोग खा खाए घर का बात है तुम तो वैसे ही पता नहीं है बोलो सब लोग लेकिन भैया मोए हमें जब दूसरी बात कि तुझे मठा पियन को मिले ना जा बताओ ऐसी बात है कि ना है हमें तो लग रही है कि आप तो बिल्कुल नहीं इतना पीती बड़ा कमजोर हमारे भाई का मुंह नहीं था जरा हाँ और ने घी भी खाई और दूध पिया तो भैया भाई बता देते और ये हकीकत है बात है पहले के बुजुर्ग बड़े बूढ़े बड़ी ताकत थी उनमें कि वो दूध पीते थे भैंसियाँ पालते थे अब तो भैया ना कोई भैंस पालते और हम भाई ना पालते दूसरे तरह का है ऐसे एक भैया भाई तो मन में विचार करने लगे हमारे मोहित भैया जैसे थे मन में जा विचार करने लगे कि हम काम कौन सो करें कि जा से हमारी प्रशंसा हो कि आज हर मानव कार्य कोई करता है तो प्रशंसा के लिए करता कि हमारा नाम हो तो एक भैया राय तो मन में विचार करने लगे हम का काम करें जा से हमारी प्रशंसा हो तो एक जूता चप्पल की दुकान पे पहुंचे एक जूता चप्पल की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से जवाब दो भैया तुम्हारे दुकान पे सबसे महंगो जूता हो जूता हमें दिखाओ दुकानदार मन में विचार कर लो आज ग्राहक बहुत बढ़िया हो बाकी दुकान पे सबसे महंगो जूता तो मानो भाई दो और बाकी साथ में को रूमाल और ले लो जूता पोछने के ताकत हाँ अब जब जूता लेके दुकान से उतर के आए और रास्ता में जा रहे हो मन में सोच रहे जो जूता पहन के हम जाए ये जूता पहन के हम जाए ना जा से हमारी प्रशंसा हो सब लोग हमारो नाम ले में हाँ तो मन में विचार करने लगे जो जूता पहन के हम ससुराल जाए जूता पहन के ससुराल जाएंगे ससुराल में बहुत खुशामत होती है और सब लोग देखेंगे हमारी साली भी देखेंगी हमारी सराज भी देखेंगे साले भी देखेंगे ए जूजा तुम जूता बहुत अच्छो पहन के आए सबसे महंगे वालों तो मन में विचार करने लगे जी जूता पहन के हम ससुराल ही जाए
जूता पहन के जब ससुराल पहुंचे, और जब ससुराल पहुंचे तो ससुराल जब पहुंचने के बाद चार पाई पड़ी हुई थी, उसी चार पाई पे बैठ गए। और जब चार पाई पे बैठ गए, उस चार पाई तो बैठे वहां अकमास चुईया निकल के आई, चुईया निकल के आई और जूतन के आस पास घूमी और अपने जगह पे फिर चली गई। तो मन में विचार करने लगे, लगत हमारे जूता चुईयों पसंद आई, ससुराल वालों को तो वो आई है तो वो तो आई पसंद, लगत चुईयों पसंद आई है हमारे। दोबारा से फिर निकल गया जूता के आस पास घूमी, फिर अपने स्थान पर चली गई। लेकिन मन में विचार करने लगे, अब की बार जाए तो जाको कल्याण ही है, जिंदा तो जाइए ना, जहाँ से मर के ही जाइए। हाँ, अब जूता उतार के और पकड़े ताने खटिया बैठो की अब की बार आ जाए निकल के। और जैसे ही बात दीवारा से निकल के आई और तैसे ही बात जूता की तरफ देखो, चुईया की तरफ देखो, एक ही बार चुईया को कल्याण। अब जब कल्याण कर दो तो सास आई, सास को थोड़ू ना पता थी कि आप चुईया मारी तो हमारे दमान नहीं मारी थी। उनने मन में जा सोची जा कहो कि गांव के बच्चा ने हरकत हमारे दमान के साथ में करी जो चुईया मार के डाल दी। हाँ, तो सास ने गुस्सा में आए कि एक बात कही, उन्हें पर जान आ पता था कि जो काम करो सो हमारे दमान नहीं करो, गुस्सा में आए कि बोले जब कही की लंबी पूछ गर्दना भारी, पर किस भड़ुए ने चुईया मारी और मार के हमारे दमाद के याद रखा, सोई खड़ो है वो चली जाए हमसे। सास मां तारीख दाखिल होता सब कुछ कह देना, एक ही चप्पेड़े में तीन दिन घूमे। सास वहां से चली आई, जब चली आई सास मन में विचार करने लगी, अब हम क्या करें, दमाद तो बड़ गुस्सा हो गए। खाना लेके गई कि ले लेना दमाद खाना खा लो, एकदम फिर दौड़ पड़ो चली जाए यहाँ से, हम तो भड़ुआ है भड़ुआ, दमाद हो मैं खबाइए बेचारी, फिर लौटने आई गुस्सा हो गए। जब लौट आई तो शाम को ससुर आए, तो ससुर ने जवाब दो कि दमाद घर पे रुके हैं, तुमने कुछ उन्हें खिलाया पिलाया कि नहीं, कि हम तुम्हें कहा बताए दमाद ने चुईया मारी तो मैंने जा समझी कि गाँव गाँव के बच्चा ने हरकत करी, तो मैंने इतनी कह दी कि लंबी पूंछ गर्दना भारी और किस भड़ुए ने चुईया मारी, सो बड़ा गुस्सा बड़ा गुस्सा में कि पहले के बुजुर्ग बड़े होशियार थे, उन्हें जवाब दिया अपनी पत्नी से ऐसा करो खाना लगाओ हम जाते हैं, देखो कैसे नहीं खाते हैं। तो खाना लगाया और लेकर के चले दमाद के पास। तो दमाद के पास जब गए तो ससुर ने एक बात कही, अपने लला से जवाब दिया और क्या कहा, लंबी पूछ गर्दना भारी और किसे इस नार में इतनी पसारी, तो एकदम खटिया पैसे खड़ो है वो दद्दा हमने मारी हमने। तो ससुर ने जवाब दो लला दमान हम तुम्हारी प्रशंसा करें तो कैसे करें, आज हमारे गांव में जो बड़ा है तुमने काम करके दिखाओ है कि तो बड़ो काम लला, गांव की बात ढीलो जा बड़ा भोगाओ की बात ढीलो, जितने इधर जिला लगते काम ऐसो काम ना कर भो, जो आज तुमने हमारे गांव बड़ा में जो काम करके दिखाओ। तो बहुत खुश होएगो चार पूरी वन अगरी हो, तो कहा भी आता की प्रशंसा के लिए हार मानो उतावला है, और कहा भी जाता है कि देखी I'm gonna go get some more.
राजा घर पे आया, उनके जेब में जो रुपया पड़े वो तो बेहू मामा निकाल ली थी। और भैया मोए तो कहा भी जाता है कि अच्छा कार्य करोगे तो हमारी और आपकी अच्छी प्रशंसा होगी, और गलत काम करते वाले अच्छी प्रशंसा होगी। तो पहले खुशी हो जाते बात करती तो